दिल्ली प्रदेश के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश केवल दिल्ली प्रदेश ही नहीं है, वो हमारे देश की राजधानी है। और राजधानी होने के नाते बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मंत्री है, एमएलए है, एमपी इस दिल्ली में रहते हैं और हमारे समाज में रहते हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के द्वारा अंबेडकर भवन में बहुत सारे कार्यक्रम उपक्रमों का आयोजन होता है। मेरा सवाल उस जमाने में भी यही था कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो और अपने आप को अनुयायी कहते हो, बाबा साहब के कहने पर आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रखी, धर्म को अपनाया, क्या अपने समाज में जो बौद्ध धर्म के संस्कार के अनुसार जो 13 प्रकार के संस्कार है और आप लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा को यहाँ चलाते हो, क्या हमारे समाज के भाई बंधु अपने घरों में बौद्ध पद्धति से शादी विवाह करते हैं क्या? अगर करते हैं तो वो शादी विवाह कौन संपन्न कराते हैं? ऐसे हमारे समाज के भाई बंधु जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, यदि वे लोग किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं, अधिकृत बौद्धाचार्य बनते हैं, तो बौद्धों के संस्कार संपन्न करने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। और ऐसी संख्या यानी अधिकृत प्रशिक्षित बौद्धाचार्यों की संख्या आपके दिल्ली प्रदेश में बहुत ही कम है। और ये बात आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल आदर पूर्वक नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं कि यदि आप बौद्धाचार्य बनते हो तो केवल शादी विवाह करना, बच्चे का नामकरण करना, कोई मर गया उसका अंतिम संस्कार कराना, जितनी भी अंधश्रद्धाएं और अंधविश्वास से जुड़ी बातें हमारे पुराने पुरखे जो लोग उन संस्कारों को संपन्न कराते आए हैं, ऐसे पुराने संस्कारों को तिलांजलि सबसे पहले हमें देनी चाहिए और उसके पश्चात बौद्ध धर्म पद्धति के संस्कारों को हमें अपनाना होगा। यदि आप ऐसे इस तरह से 10 दिवसीय शिविरों में बैठोगे तो ये प्रशिक्षण पाओगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि सच्चाई ये है कि आप आज बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के लायक हो। ये बुद्ध पुत्र का जो ये चीवर है, ये चीवर हर किसी को नहीं मिलता है, ये तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्था, अरे यही संस्था भारत देश के कोने कोने में जाकर जो एससी एसटी माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनको आज तक अपना हक का कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, आज भी हम कई बार पेपर में, न्यूज पेपर में, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, फलाना फलाना किसी मंदिर में गया, वहां के ब्राह्मणों ने उसे लाठियां मारकर मंदिर के बाहर हकाल दिया, क्योंकि इस धर्म में इसी प्रकार की मानसिकता है, एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह नहीं मानता है। और यही सच्चाई है बौद्ध धर्म में, ये ही महत्वपूर्ण सीख है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे और उसके साथ में इंसानियत का नाता रखे, इंसानियत का व्यवहार करे। और यही सारी सीख ऐसे 10 दिन के शिविरों में आपको दी जाती है। बौद्ध धर्म क्या है? ना कोई जाति है, ना पाती है, जैसे संत रोहिदास जी भी अपने संबोधन में कहते हैं, एक केले का पेड़ लेते हैं, उसको ऊपर से काटते हैं, एक छिलका निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, केले को काटते जाओ लेकिन अंदर एक बात निकलेगी, दूसरी बात निकलेगी और बात ही बात निकलेगी। बस हिंदू धर्म में भी ऐसी ही जाति है, जाति के अंदर उसकी सब कास्ट है और ऐसे ही कास्ट में लोग और समाज बटा हुआ था, इसीलिए डिवाइड एंड रूल, आपको अलग अलग बांटकर आपके ऊपर राज इतने सालों से चल रहा है, इस गुलामगिरी को तोड़ना होगा। यदि आप बाबा साहब की संस्था के साथ में जुड़े रहते हो लेकिन प्रशिक्षित बौद्धाचार्य बनोगे, प्रशिक्षित उपासिकाओं बनोगे, आगे चल के 24 प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय कपूर सिंह जी कटारिया।
जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, मैं धन्यवाद करता हूं एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी जो महामंत्री बने हैं दिल्ली प्रदेश के। कुछ ही समय में इन्होंने ये 10 दिवसीय शिविर रखा और ये सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न किया। मैं उनका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये सारा काम ये तो हमारे महान कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन यदि हमारे कपूर सिंह सिंगल जी और हमारे फौजी जी इनको साथ नहीं देते तो शायद आज ये यहाँ की जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग उपस्थित हो और ये शानदार तरीके से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका आधा हिस्सा क्रेडिट हमारे कपूर सिंह सिंगल जी और हमारे फौजी जी और उनके सारे साथी, हमारे संदेश जी मोहिते जो हमारे हरियाणा प्रदेश के कोषाध्यक्ष है, जिनकी बदौलत आज ये 25-30 महिलाएं गुड़गांव में बैठी है लेकिन समापन करने आज दिल्ली में आई है और इस कार्यक्रम की सभा की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय के कमी के कारण मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।